न्यूमरोलॉजी नंबर वन की, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, तो इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो बनता है नंबर वन। आपका कैसा रहेगा आज का दिन? देखिए, आपके लिए आया है आज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल डे। आज आप पे वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वर्कलोड भी ज़्यादा होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आज आपको करनी पड़ेगी, शायद घर का काम भी, बाहर का काम भी, तो टू मच प्रेशर। तो आज के दिन बहुत सारी चीज़ों को आपको इकट्ठे मैनेज करना पड़ेगा, और ये मैनेजमेंट में ही आपको काफ़ी स्ट्रेस, थकान, एन्जाइटी भी हो सकती है। तो आज के दिन आप अपने आप को थोड़ा कूल डाउन, काम डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिएगा, पानी ज़्यादा पीते रहिएगा ताकि आप बिल्कुल माइंड आपका कूल रहे, ठंडा रहे, और कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन हो सके तो शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाइएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर टू, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर टू। आपके लिए जो आज कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन। आज थोड़ा सा कन्फ्यूज स्टेट में रहेंगे आप, आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे परीक्षा शायद देनी पड़ जाए, किसी 2 चीज़ों में आप शायद फंस जाएंगे। घर पे ध्यान देना है कि बाहर ध्यान देना है, मम्मी की सुनूं कि पापा की सुनूं, ऐसी छोटी सी प्यारी सी सिचुएशन में शायद आज आपको अपने आप को कन्फ्यूज पाएंगे। इसका तरीका एक ही है, थोड़ा सा सुबह उठ के थोड़ा सा आप मेडिटेट कीजिए, नेचर वॉक पे जाइए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा सा अच्छा फील होगा और आप थोड़े बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। अदरवाइज पूरा दिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में ही रह सकते हैं, सो इसलिए दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। अगला नंबर है न्यूमरोलॉजी नंबर थ्री, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर थ्री। आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, आज एक नई शुरुआत हो सकती है, गुड लक का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। आज कोई ना कोई अच्छे काम की आप शुरुआत भी कर सकते हैं, कोई नई जर्नी प्लान कर सकते हैं, कोई अच्छा आइडिया आ सकता है आज के दिन आपको, जो कि आगे जाके फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकता है, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो आज कुछ ना कुछ उसके ऊपर वर्क ज़रूर कीजिएगा, आप अपना मैरिज प्रोफाइल बना सकते हैं। कोई अगर आप किसी से मीटिंग करना चाहते हैं इसी फ्रंट में, तो आज आप जाके वो मीटिंग ज़रूर, बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ही अच्छा इंडिकेशन लेकर आ रहा है आपके लिए। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर फोर, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर फोर। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन कार्ड, खुशी। घर में कोई अच्छी प्यारी सी खुशी आने वाली है, कोई काम आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, कोई स्ट्रेस है आपको काफ़ी समय से, उसमें से आपको क्लैरिटी मिलने का टाइम आ रहा है। सो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन का कार्ड है, शायद घर में शादी की खुशी आ सकती है, घर में कोई सेलिब्रेशन की खुशी आ सकती है, तो उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व पाएंगे। तो आज के दिन कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास ज़रूर आने वाली है, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ भी। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर फाइव, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5th, 14th and 23rd, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर फाइव। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ वांड्स, कन्फ्यूजन में रहेंगे आप, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करना चाहते हैं, उसी वजह से आपके आधे से ज़्यादा काम खराब होते हैं। आज के दिन क्लैरिटी लेकर आइएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा, पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए फिर दूसरे पे जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें अगर आप एक साथ आज करने की कोशिश करेंगे तो वो कन्फ्यूजन में कोई भी काम आपका अच्छे से नहीं होगा, इसलिए पहले प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही, भले वो वर्क में हो, घर पे हो, अगर आप इवन शॉपिंग करना चाहते हैं, शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो पूरी प्लानिंग के साथ जाइएगा कि कहाँ जाना है, क्या लेना है, अदरवाइज़ ये आपकी कन्फ्यूजन ही आपका कोई भी काम ठीक से होने नहीं देगी और स्ट्रेस लेकर आएगी। अगला नंबर है न्यूमरोलॉजी नंबर सिक्स, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 6 तारीख, 24 तारीख और 15 तारीख, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर सिक्स। आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सा हेल्थ
डाउन होने का इंडिकेशन आ रहा है आज। शायद आप अपने आप को थोड़ा सा आज वीक फील करेंगे, एनर्जी लेवल शायद आप थोड़े से लो फील करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा तरीका है, आज आप कोशिश कीजिएगा कि आज आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। मेडिटेट कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। इससे आपके एनर्जी लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, यू विल फील क्वाइट हैप्पी। एंड आज आप कोशिश कीजिएगा कि आज आप जो खाना खा रहे हैं वो काफ़ी सात्विक भोजन खाएंगे या मोस्टली लिक्विड्स लेंगे, तो आपकी बॉडी से अंदर से भी आपको अच्छा फील होगा, थोड़ा सा लाइट फील होगा और थोड़ा सा बॉडी आपकी काम डाउन रहेगी। अदरवाइज आपको थोड़ा सा अनईजी पूरे दिन फीलिंग आएगी, यू विल नॉट फील वेल। और अगर आपको ऐसी अनईजीनेस ज़्यादा फील होती है तो प्लीज़ डू कंसल्ट अ डॉक्टर। अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छे से आज आप ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर है न्यूमरोलॉजी नंबर 7। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 7th, 16th and 25th, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 7 of Wands। बहुत ही एक सिचुएशन में आप अपने आप को पाएंगे जहाँ पे हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए 7 नंबर वाले थोड़े से स्टबर्न होते हैं, वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं हमेशा। लेकिन कई बारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि सब आपके ऊपर फिंगर पॉइंट आउट करेंगे कि आपकी वजह से ये चीज़ ख़राब हुई, गलत हुई। आज शायद वो वाला दिन आ सकता है कि आपके ऊपर फिंगर पॉइंट करी जाए, पर आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा। ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इसका भी आपको आगे रास्ता डायरेक्शन दिख जाएगा। बस इसमें आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़े से प्यार की ज़रूरत है। अपने से बड़े लोगों से गाइडेंस ज़रूर लीजिए, ये मैं रेपिटेटिव बोलती हूँ 7 नंबर पीपल के लिए, कि इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम पीपल, फ्रॉम योर फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि 7 नंबर पीपल के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। वरना क्योंकि 7 नंबर बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं, लेकिन अगर ये गाइडेंस लेते हैं, बात मानते हैं बड़ों की, तो इनको काफ़ी ज़्यादा रास्ता इनका स्मूथ हो जाता है। सो डू ट्राई इट। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 8। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8th, 17th and 26th, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 8। 8 को अगर हम उल्टा लिखते हैं, टेढ़ा लिखते हैं, तो बनता है इन्फिनिटी। ऐसे ही 8 नंबर वालों की जब किस्मत खुलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खुलती है। आपको बस स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। जितना 8 नंबर वाले स्पिरिचुअल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, उनकी किस्मत का ताला खुल जाता है, उनको मिलती है खूब सारी ब्लेसिंग्स। शनिदेव की ब्लेसिंग्स मिलती है, बाकी सारे प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। 8 is a karmic number, 8 नंबर पीपल आर ब्लेस्ड विद कार्मिक डीड्स। इसलिए अगर ये अपनी कार्मिक डीड्स अच्छी रखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं, तो इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वेल्थ मिलती है, बहुत सारा धन मिलता है, क्योंकि शनि जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारा धन लेके जाते हैं। आपका आज का कार्ड भी ऐसा है, आया है किंग ऑफ कप्स। अगर आज आप अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करेंगे, अगर आप देखेंगे कि आप अपने क्लोज वंस, नियर वंस के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, स्पेशली योर मदर, योर ग्रैंड मदर, एनी फीमेल एनर्जी दैट इज़ कनेक्टेड टू यू, इट कैन बी योर सिस्टर ऑल्सो। आपकी मदर के लिए आप कुछ स्पेशल कर सकते हैं, बहन के लिए कर सकते हैं, ग्रैंड मदर के लिए कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑन द होल आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड फील कराया जाएगा, आपके घर में आप कोई ना कोई अच्छी खुशी आने का इंडिकेशन है। तो ओवरऑल आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बस आप अपने कार्मिक डीड्स पर जितना ध्यान देंगे उतनी आपकी लाइफ स्मूथ जाएगी। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 9। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9th, 18th and 27th, तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 9। 9 होता है मंगल मार्स का नंबर। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है द मून। थोड़ा सा केयरफुल होने की आज ज़रूरत है आपको, ओवर शेयरिंग आज आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, स्पेशली विद फीमेल्स। अगर आपकी फ्रेंड्स हैं, सिस्टर हैं, मॉम हैं, आज आप थोड़ी ओवर शेयरिंग कम कीजिएगा, थोड़ा फिल्टर करके बात कीजिएगा। जितना आप फिल्टर करके आज बात करेंगे उतना आपको आगे जाके रियलाइज़ होगा कि वो आपका करेक्ट डिसीजन था, क्योंकि इमोशनल होके आप कभी कभी ओवर शेयर कर जाते हैं और यही ओवर शेयरिंग आपको आगे जाके दिक्कत दे सकती है, परेशानी दे सकती है। तो आपका आज का मंत्रा, आपका आज का मोटो है डू नॉट शेयर मच, थोड़ा सा कम बात कीजिएगा तो ही अच्छा है।